दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय जय माता दी। दोस्तों आप सबका एक बार स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है असली वशीकरण मंत्र। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, प्रैक्टिकल प्रयोग बताऊंगा, जिसे करने के बाद आप जिस व्यक्ति को भी चाहते हैं उसे अपने वश में कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रयोग है दोस्तों और बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाले प्रयोग हैं। करना सिर्फ इतना है आपको कि आपको दुर्वा अर्थात दूबी जो होता है दूब, उसके 7 पीस लेने हैं, 7 दूब लेने हैं और उसे लेकर आपको जिस व्यक्ति को वश में करना है उसका फोटो लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइएगा। इस विधि को आपको बुधवार अर्थात वेडनेसडे को सायं 6 से 7 के बीच में करिए। अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप सायं 6 के बाद किसी भी टाइम कर सकते हैं, अन्यथा सही समय इनका 6 से 7 के बीच में ही है। अब दोस्तों आपको 7 दूब वो है उसे उस व्यक्ति के फोटो के ऊपर रखिए और बस एक मंत्र जो आपको मैं बताऊंगा उस मंत्र को एक माला अर्थात 108 बार रुद्राक्ष की माला लेकर जाप करनी है। जाप करते हुए यह ध्यान रखिएगा दोस्तों आपकी जो है एकाग्रता उसी व्यक्ति के ऊपर हो। आप उस दिन सात्विक जरूर रहिएगा, मांस मदिरे का सेवन तो वर्जित है इस विधि को करने के दिन। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए, वह अचूक वशीकरण मंत्र को जो कि आपको डिस्प्ले में भी शो होगा। ओम हीम हूम कामेश्वराय हूम हूम हूम। फिर से सुन लीजिए, ओम हीम हूम कामेश्वराय हूम हूम हूम। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको जाप करना है और उसके बाद मंत्र विधि समापन के बाद आपको जो दूब है अर्थात जो दूबी है उस 7 को आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में छोड़ देना है, भगवान गणेश जी को अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोल देना है गणेश जी को, भगवान को। बस आप इतना करिए और फिर चमत्कारी परिणाम खुद देखिए। आपके कितने भी अगर पूर्व जन्म के पाप भी किए रहे होंगे, आपके ग्रह में अगर शुक्र ग्रह भी कमजोर होगा अर्थात आपकी स्थिति बिल्कुल भी विपरीत हो जिससे कि आपके ना तो शादी हो रही ना तो आपके किस्मत में कहीं भी प्यार लिखा हो, फिर भी वह व्यक्ति जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं वो आपके वश में हो जाएगा। बहुत प्रचंड प्रयोग है दोस्तों। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मंत्र जाप करेंगे उस समय आपको दिशा जो है पूर्व की ओर मुख करके ही बैठना है और इसमें आप आसन और कपड़े कोई सभी रंग का ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी भला हो जिनको सच्चा उपाय नहीं मिल पा रहा है या तरह तरह से प्रयोग करके थक गए हैं, ताकि उनका भला होगा तो आप सबका भी भला ही होगा। सबकी मंगल कामना करते रहिए दोस्तों। जय जय माता दी। दोस्तों